नमस्ते मित्रों, डेली 25 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्समां तमारो हार्दिक स्वागत छे। तो मित्रों, आज आपणे वीडियोमां जोवाना छे कि गुजरातनी कोई पण स्पर्धात्मक परीक्षा होय एना माटे मित्रों तमने उपयोगी थई पड़े एवा मित्रों 6000 प्रश्नों मित्रों समूह छे, जनरल नॉलेजना प्रश्नों छे मित्रों, अने एक वीडियो मित्रों आपणे 100 प्रश्नों मूकीए छीए। तो मित्रों, ए यूपीएससी परीक्षा होय, जीपीएससी होय, पीएसआई होय, टाट होय, टेट होय, रेलवे होय, बीजे चलो एक क्लार्क हो। मित्रों कोईपण परीक्षा होना उपयोग थी पड़े एवं प्रश्नों। तो जो तमने वीडियो गमे तो लाइक कॉमेंट तमारा मित्रों ने वीडियो शेर जरूर करजो। छेले चेनल नवा हो चेनल सब्सक्राइब करो भूलता नहीं। तो मित्रों अपने शुरुआत करें 100 प्रश्नों। तो आज वीडियो में बे तो शुरुआत करें अपने प्रश्नों की। तो जो है कनकावती मित्रों, जो कनकावती नदी है तो अँ शुरुआत करें प्रश्न आज कि कनकावती और रुक्मावती नदी क्या जिल्ला में आवेली है। तो मित्रों क्या जिल्ला में आवी है, तो ये कच्छ जिल्ला में आवी है। नर सरोवरनो सौथी मोटो टापू कयो है, तो ये पानवट टापू। दरियोबंद कई नदी पर बांधवामां आव्यो है, तो साबरमती नदी पर। बनास नदी पर कयो बंद बांधवामां आवे है, तो दांतीवाड़ा बंद। अने शेत्रंजी नदी पर मित्रों पर तैयार करेली योजना सौथी वधु लाभ मित्रों क्या जिल्लाने मळे छे, तो ये अमरेली जिला मळे छे। बराबर छे। आगे जोईए प्रश्नों, कच्छना रण ने आग वधु अटकाववा माटे कया वृक्षों मित्रों वाववामां आवे छे, तो गोवंडा बावळनो। सौराष्ट्रमां ओलादनी भेंसो उछेरवामां आवे छे, तो मित्रों सौराष्ट्रमां कई ओलादनी भेंसो उछेरवामां आवे छे, तो जाफरावादी। मोती आपती पर्ल फिश कया टापू पासेथी मळे छे, तो परवाळा एटले कि पिरोटन टापू पासेथी। गुजरातनुं सौथी मोटुं मत्स्य केन्द्र क्यूँ छे, तो वेरावळ। शार्क ऑइल शुद्ध करवानी रिफाइनरी क्या आवेली छे, तो वेरावळनी अंदर। अने उत्पादन अने वावेतरना विस्तारनी दृष्टिए गुजरातमां प्रथम नंबरे क्यो धान्य पाक आवे छे मित्रों, तो ए आवे छे बाजरी। क्या विस्तारमां घऊं प्रख्यात छे, तो बाल प्रदेशमां। मगफळीना उत्पादनमां गुजरातनुं स्थान क्या नंबरनुं छे, तो प्रथम नंबरे आवे छे गुजरात। तमाकूना उत्पादन में गुजरातनु भारतमां स्थान क्या नंबरनुं छे, तो बीजा नंबरनुं छे। खनिज उत्पादन दृष्टिए भारत में गुजरातनुं स्थान क्यूँ छे, तो चौथा नंबरनुं छे। फ्लोस्पाननुं उत्पादन में गुजरातमां फ्लोस्पान उत्पादन में भारत में गुजरातनुं स्थान क्यूँ छे मित्रों, तो प्रथम नंबरे आवे छे। भारतमां चिनाई माटीनुं सौथी मोटुं क्षेत्र क्यूँ छे, तो अरसोदिया, जे साबरकांठा जिल्लामां आवेलुं छे। गुजरातमां सौथी वधु जिप्समनुं उत्पादन करतो जिल्लो कयो छे, तो जामनगर छे, वत्ता देवभूमि द्वारका, एटले के जामनगर अने देवभूमि द्वारका छे। वडोदरा जिल्लामां खाजिया खाते फ्लोस्पार शुद्धिकरण कारखानुं छे, तो कड़ी पाणी। जामनगर जिल्लाना मीठापुर पासे कया प्रकारनो चूनानो पत्थर मळी आवे छे, तो मिलियो लाइट। केल्साइटना उत्पादनमां गुजरातनुं भारतमां स्थान क्यूँ छे, तो बीजा नंबरनुं। बनासकांठा तालुका बनासकांठाना कया तालुकामांथी तांबू शिशु अने जसत मळी आवे छे, तो द्वारका तालुकामांथी। गुजरातमां सौप्रथम वार खनिज तेल क्यांथी मळी आव्युं हतुं मित्रों, तो लुणेजथी। जांबुघોડા અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલું છે મિત્રો, તો આવેલું છે પંચમહાલ જિલ્લામાં। પણિયા અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવ્યું છે, તો અમરેલીમાં। ગુજરાતમાં પ્રથમવાર રાષ્ટ્રપતિ શાસન કોના સમયમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું મિત્રો, કોના સમય મિત્રો આવી દઉં, તો ડૉક્ટર શ્રીમન નારાયણ। ગુજરાતના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો વિજયભાઈ રૂપાણી છે। ગુજરાતમાં સૌથી લાંબો સમય પદ પર રહેનાર મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો નરેન્દ્ર મોદી છે। ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ છે, તો કલ્યાણજી મહેતા છે। ગુજરાત વિધાનસભાના વર્તમાન અધ્યક્ષ કોણ છે મિત્રો, અહીંયા રમણાનો વાર આવ્યું છે પણ એ નથી, તો મિત્રો એનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો છે, જવાબ જણાવજો જો તમને ખબર હોય તો। ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ આદિવાસી અધ્યક્ષ કોણ હતા મિત્રો, તો એ હતા ગણપતભાઈ વસાવા। દ્વારણ વીજમથકની શરૂઆત કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં થઈ હતી, તો બળવંતરાય મહેતા। ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભાની પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે થઈ હતી, તો ઈસવીસન 1962માં। કોના શાસન દરમિયાન 1973માં ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ વિધેયક પસાર થયું હતું, તો ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા। કોનું શાસન દરમિયાન નવનિર્માણ આંદોલન થયું હતું, તો ચીમનભાઈ પટેલ। ગરીબી દૂર કરવા અંત્યોદય યોજના શરૂ કરનાર મુખ્યમંત્રી કોણ હતા, તો બાબુભાઈ પટેલ। ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો અમરસિંહ ચૌધરી। ગુજરાતના સૌથી નાની વયના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો ચીમનભાઈ પટેલ।
गोकुल गाम योजना दाखिल करना मुख्यमंत्री कौन है? तो केशुभाई पटेल। कोना समय में गुजरात न पाटनगर गांधीनगर बनाव तो हितेंद्रभाई देसाई। 19 नव 1965 रोज कच्छ सरहदे पाकिस्ताने कया मुख्यमंत्री विमान तोड़ी पाड़ी थी? तो बलवंतराय मेहता। अने क्या आगर तो सुथरी अंदर मित्रों कई जगह तो सुथरी में अँ सुथरी आपी है ते आग बराबर है। आगे जुए को समय में फरजियात प्राथमिक शिक्षण विधेयक घड़ी थूँ? तो जीवराज मेहता। कोना समय में वडोदरा में कोयली रिफाइनरी शुरू करी थी? तो बलवंतराय मेहता। गुजरात में सौ प्रथम बार राष्ट्रपति शासन क्यारे लगवा? तो 13/5/1971। गुजरात में अत्यारुधी के कार्यकारी अध्यक्ष आया है? तो 7। गुजरात ना अंतिम कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो नीमाबेन। प्रथम विधानसभा में कुल के बैठक होती? तो 132। 12मी विधानसभा में कुल के बैठक है? तो 182। नरेंद्र मोदी ने कोईपण त्रण योजना जणावानी है? तो सागरखेड़ू ज्योतिग्राम और सुगलाम सुफलाम। कोना नेतृत्व हेठ सांदे गोट शुरू करना प्रथम राज्य गुजरात बनी है? तो नरेंद्र भाई मोदी। माधवसिंह सोलंकी द्वारा अपनावायेल कई थियरी ने कारण गुजरात में ज्ञातियों में भागला पड़ा? तो खाम। पारडीनी घासिया जमीनों सुखद उकेल लावनार मुख्यमंत्री? तो हितेंद्र भाई देसाई। सुथरी पास कया मुख्यमंत्री नाम प्रतिबंध वधवामां आवे छे? तो मणंदराय मेहता। अनामत आंदोलन ने कारण कया मुख्यमंत्री राजीनामु आपवुं पड्युं हतुं मित्रों? तो माधवसिंह सोलंकी ने। मुख्यमंत्री पद नो त्याग कर्या बाद कया मुख्यमंत्री तुरंत ज ब्रिटन खाते राजपूत निमाया? तो जीवराज मेहता। गुजरात विद्यापीठ में अध्यापक तरीके सेवा आपनार तेमज अमदावाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज की स्थापना करना कौन था? तो चिमनभाई पटेल। किसान मजदूर लोकपक्ष की रचना में कया मुख्यमंत्री सीफाड़ो छो? तो चिमनभाई पटेल। कया मुख्यमंत्री राजकोट सहकारी बैंक में डायरेक्टर तरीके की सेवा आपी थी? तो केशुभाई पटेल। मोरबी होनार वक्त राज्य मुख्यमंत्री कौन था? तो बाहूभाई पटेल। कया मुख्यमंत्रीए प्रथम ऑल इंडिया पोलिस कॉन्फ्रेंस उद्घाटन कर? तो नरेंद्र भाई मोदी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कया विषय में अनुसंधान पदवी धरावे? तो राज्यशास्त्र। वडोदरा राज्य विलीकरण की विधि पार पाड़वा सरदार पटेले कोने दीवान तरीके निम्याता? तो जीवराज मेहता। द्विलक्षी वेचाण वेरो दाखिल करना कोण था? तो जीवराज मेहता। भारत सरकार विदेश मंत्री तरीके सेवा अपना? तो माधवसिंह सोलंकी। श्रीकृष्ण जो देह त्याग करे तो स्थल क्यों कहवा? तो भालका तीर्थ। सौराष्ट्र स्थान मित्रों कौन है? तो राजकोट सौराष्ट्र की शान है। गांधीजी की कर्मभूमि मित्रों कई है? तो ये अमदावाद। महलों शहर तो वडोदरा। आर्ट सिल्क की नगरी तो सूरत। काठियावाड़ रत्न तो जामनगर। साक्षर भूमि तो नड़ियाद। सौराष्ट्र की संस्कार नगरी तो भावनगर। सिद्धराज जयसिंह जन्मस्थल तो पालनपुर। गुजरात प्रथम तेल क्षेत्र तो लुणेज। श्यामलाजी में कोनी मूर्ति है? तो श्रीकृष्ण श्याम स्वरूपनी। भारतना पांच पवित्र सरोवरों में गुजरात में आवेल कच्छन पवित्र सरोवर क्यों कहवाय? तो नारायण सरोवर। गोपनाथ शिव मंदिर क्या जिले में आलू है? तो मित्रों आलू है भावनगर जिले में। नारद ब्रह्मा की अनोखी प्रतिमा क्या स्थले आई है? तो कामरेज। ईरान थी आवेला पारसीओ गुजरात में सब प्रथम क्या उतरिया था? तो संजाण जगह शासन करता था जादीराणा। वलसाड जिला क्या स्थले पारसीओं पवित्र अग्नि आज प्रज्वलित है? तो मित्रों उजवो उदवाड़ा। एक शिला में कंडारायेल भगवान अजितनाथ की प्रतिमा महसाणा जिला क्या स्थले आई है? मित्रों तो तारंगा अंदर। गांधीनगर जिलाना महुड़ीना मंदिर में कया भगवान की मूर्ति है? तो घंटाकर्ण महावीर। जूनागढ़ जिलाना दातार में कोनी दरगाह आवेली है? तो जमियल शाह पीरनी। राज्यनुं सौथी प्राचीन मंदिर गोरज कया जिला में आवे छे? तो वडोदरा में। बरडो डूंगर कया जिला में आवे छे? तो पोरबंदर में। बरडो अभ्यारण्य कया जिला में आवे छे? तो पोरबंदर में। अमदावाद की स्थापना कोणे अने क्यारे करी? तो सुल्तान अहमद शाह 1411 अंदर। मोहम्मद बेगड़ा अने तेनी शाहजादाओं की मजार क्यों आवेली छे? मित्रों तो सरखेजनी अंदर। पांडवों की शाला अने भीमनु रसोड़ू अमदावाद में क्या आवेली छे? तो धोड़का अंदर। मीनल देवी बंधावेल मुनसल तळाव अमदावाद में क्या आवेल छे? तो विरमगामनी अंदर। कवि कलापीना कर्मभूमि अने जन्मभूमि लाठी क्या जिले में आवेली छे? तो अमरेली में। खंभातनुं प्राचीन नाम तो स्तंभ तीर्थ। आयना महल अने प्राग महल क्या शहर में आवेलो छे? तो भुजनी अंदर।
खारेक संशोधन केन्द्र और कुदरती उपचार केन्द्र क्या शहर में आयु मुंद्रा में? एशिया सौथी पहलो विंड फार्म और टीबी सेनेटोरियम क्या है? तो मांडवी में। छरी चप्पा और सूड़ी उद्योग में क्यों शहर जाने से? तो अंजार। काठियो ए बंधावेलू कोटायकनु सूर्य मंदिर क्या जिले में आयु? तो कच्छ जिले में। शीरी नदी किनारे क्या सतु आश्रम आएल है? तो श्री मोटा। डाकोनु प्राचीन नाम तो डंकपुर। डाकोना मंदिर में क्या भगवान की मूर्ति विराजमान है? तो रणछोड़रायनी। को रणछोड़रायनी। तो मित्रों आज आप विडियो में 100 प्रश्न जोया। तो जो तमने मारो विडियो गमे हो तो लाइक करो, एने कॉमेंट करो, तमारा मित्रों ने विडियो शेयर करो और छेले चैनल नवा हो चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो चैनल सब्सक्राइब करवानो भूलता नहीं। तो मित्रों विडियो पूरेपूरो जो बदल तमारा बदा मित्रों दिल थी खूब खूब आभार।